पृष्ठ संख्या 34, पाठ 6। भारत के प्रमुख पुरुषों और महिलाओं के योगदान। अंग्रेज यहां पर आए तो थे करने को व्यापार, शासन कमजोर देख उन्होंने उठा लिए हथियार, कच्चा माल यहां का लूटा। निर्मित माल यहीं पर बेचा, उद्योग नष्ट यहां का करके फैलाया अपना व्यापार। पर ये सब कब तक चलता? भारत देश कभी तो जगता। भारत देश जगाने को और अत्याचार मिटाने को, धोखेबाज व्यापारी को यहां से मार भगाने को, सोते भारत के मानस को अब झकझोर जगाने को, अनेक नर नारियों ने किया था ये आह्वान। बदलेगा वक्त, ना हो उदास, मिट जाएगी तेरी भूख, गरीबी, अशिक्षा, रुकेगा उनका दमन, छू पाओगे तुम भी सफलताओं के ऊंचे आकाश। जागो, उठो और करो प्रयास, जागो उठो और करो प्रयास। इस पाठ में हम समाज सुधार एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कुछ महिलाओं तथा पुरुषों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इन लोगों ने समाज की कुप्रथाओं को मिटाने तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के भरसक प्रयास किए। इनमें कुछ ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया। बच्चों, क्या आपके आसपास या गांव में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया या जो आज भी कुप्रथाओं से लड़ रहे हैं और स्त्री शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? उनके जीवन के बारे में आप भी लेख या कविता आदि लिख सकते हैं। ये अध्याय भारत के उन पुरुषों और महिलाओं के विवरण पर आधारित है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे समाज के विभिन्न वर्गों के थे और महिलाओं और समाज के उन वर्गों के लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी रहे जिन्हें शेष समाज अपने बराबर का नहीं मानता था या जो समाज के निचले तबके के थे। भले ही इन महान पुरुषों व महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन उनका जीवन प्रयासों, संघर्षों और उपलब्धियों का मेल था। भारत के कुछ प्रमुख पुरुषों और महिलाओं ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में और जाति, लिंग व धर्म से संबंधित बाधाओं को दूर करने में उनका योगदान पूर्णतः स्पष्ट है। इस अध्याय में उन लोगों के विषय में भी बताया गया है जिन्होंने ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप अपने गांव, जिले और राज्य में ऐसे पुरुषों, स्त्रियों और संगठनों की पहचान कर सकते हैं जो शिक्षा के प्रसार, समाज सुधार और समाज के समग्र विकास आदि के लिए कार्यरत हैं। आप उनके कार्यकलापों के बारे में पता भी कर सकते हैं। संभवतः उनके द्वारा अपनाए गए कुछ तरीकों को अपनाकर आप भी सामाजिक बुराइयों को दूर करने और अपने समुदाय या समाज के दुर्बल वर्गों की बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। अंग्रेज यहाँ पर आए तो
यहाँ पर आए तो थे करने को व्यापार। शासन कमजोर देख उन्होंने उठा लिए हथियार। शासन कमजोर देख उन्होंने उठा लिए हथियार। पर यह सब कब तक चलता, भारत देश कभी तो जगता। भारत देश जगाने को और अत्याचार मिटाने को, धोखेबाज व्यापारी को यहाँ से मार भगाने को। बदलेगा वक्त ना हो उदास, मिट जाएगी तेरी भूख गरीबी अशिक्षा। रुकेगा उनका दमन, छू पाओगे तुम भी सफलताओं के ऊंचे आकाश। जागो उठो और करो प्रयास, जागो उठो और करो प्रयास। प्रश्न संख्या 35। आप भी उन अनुचित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं जो बालिकाओं, महिलाओं और समाज के दुर्बल वर्गों तक शिक्षा को पहुंचने से रोकती हैं। पृष्ठ 35 पर मैडम भीकाजी कामा का चित्र है। मैडम भीकाजी कामा 1861 से 1936। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता सौरभजी प्रेमजी पटेल प्रसिद्ध व्यापारी थे और उनकी माता जीजीबाई एक अमीर प्रभावशाली घराने से थीं। भीकाजी ने अपनी शिक्षा अलेक्जेंड्रिया गर्ल्स स्कूल से अंग्रेजी परिवेश में, यानी ऐसा परिवेश जो ब्रितानी तौर तरीकों और जीवन शैली से प्रभावित था, ग्रहण की थी। वे बचपन से ही विद्रोही और राष्ट्रवादी थीं। उनमें भाषाएं सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति थी और विभिन्न हलकों और विभिन्न लोगों के बीच वे अपने देश की स्थिति के विषय में तर्क करने में दक्ष थीं। उनके राष्ट्रवादी विचार, गतिविधियां और विद्रोही व्यवहार उनके माता पिता के लिए चिंता और परेशानी के कारण थे। उनका ध्यान बटाने और उन्हें राजनीतिक सक्रियता से दूर रखने के लिए उनके माता पिता ने 1885 में उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से कर दिया, जो अमीर और प्रभावशाली पारसी थे। वैचारिक दृष्टि से मैडम कामा और उनके पति एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे।
श्री कामा अंग्रेजों को बहुत पसंद करते थे, उनकी संस्कृति से प्रेम करते थे और सोचते थे कि उन्होंने भारत का बहुत भला किया है। मैडम कामा जो पूर्णतः राष्ट्रवादी बन गई थी, सदैव ये सोचती थी कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है। इस प्रकार के वैचारिक मतभेदों के कारण उनका विवाह सफल नहीं रह पाया। मैडम कामा स्वयं को सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रखने लगी। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहला अकाल पड़ा और उसके एक दम बाद वहां प्लेग का प्रकोप फैल गया। मैडम कामा उस स्वयंसेवी दल की अगुवा थी जो प्लेग पीड़ितों की रक्षा का प्रयास कर रहा था। इसके फलस्वरूप वो स्वयं इस घातक रोग से पीड़ित हो गई। उन्हें चमत्कारिक रूप से बचा तो लिया गया, लेकिन रोग ने उनके स्वास्थ्य पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया। 1902 में उन्हें आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए लंदन भेजा गया। मैडम कामा ने अपने शेष जीवन का अधिकांश हिस्सा विदेश में बिताया, क्योंकि ब्रिटानी सरकार ने भारत में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने भारत में उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया। इसके बावजूद इनमें से कोई भी बाधा मैडम कामा को रोक नहीं पाई। उन्होंने इंग्लैंड में एक वयोवृद्ध महापुरुष दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में अपना राजनीतिक कार्य शुरू किया। उन्हें क्रांति की जननी यानी मदर ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाने लगा। पृष्ठ संख्या 36। उन्होंने घोषणा कर दी, आगे बढ़ो, हम भारत के हैं, भारत भारतीयों का है। वे भारत और विदेश स्थित क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करती रहीं। अंग्रेजों को उनके कार्यकलाप नहीं भाए और उन्होंने उनकी हत्या की योजना बनाई। स्वयं को अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचाने के लिए वे समुद्री जहाज से फ्रांस चली गईं। वे पेरिस में रहने लगी, जहां उनका घर बाद में विश्व भर के क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल बन गया। कहा जाता है कि रूसी क्रांति के जनक लेनिन भी उनके घर आए थे और उन्होंने उनके साथ विचारों का आदान प्रदान किया था। पृष्ठ 36 पर दो चित्र है, मैडम कामा जिनके हाथ में झंडा है, और दूसरा चित्र है यू कियांग नंगबाह का। मैडम कामा महिलाओं के हित के लिए भी संघर्ष करती थीं। मिस्र में काहिरा में 1900 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते समय उन्होंने पूछा, मिस्र की आधी जनता कहाँ है? मुझे सिर्फ पुरुष दिखाई दे रहे हैं जो देश के आधे भाग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास जारी रखे। अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ। इसमें विभिन्न देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंतिम दिन मैडम कामा ने मंच पर खड़े होकर सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से सीधे पूछा कि क्या वे भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए अपना समर्थन देंगे। ये पहली बार था जब भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया था। अपनी बात खत्म करते करते उन्होंने एक लपेटे हुए कपड़े को खोला और पल भर में ही ये झंडे में बदल गया, जिसे उन्होंने अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर कहा, ये झंडा भारत की स्वतंत्रता का है, देखो इसका जन्म हो चुका है। ये उन युवा भारतीयों के रक्त से पवित्र हो गया है जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। मैं आप सभी सज्जनों से अनुरोध करती हूँ कि खड़े होकर भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक इस झंडे का अभिनंदन करें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से इस झंडे के लिए पूरा समर्थन देने की अपील करती हूँ। ये पहली बार था कि किसी विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के बीच प्रदर्शित किया गया था। सन 1931 में जब वे 70 वर्ष की थी और गंभीर रूप से रोगग्रस्त थी, तब उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिली। 13 अगस्त 1936 को मुंबई में उनका निधन हो गया। यू कियांग नंगबा, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक छोटे से राज्य मेघालय के एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है। मेघालय का अर्थ है बादलों अर्थात मेघों का घर। मेघालय की पहाड़ियां बहुत पुरानी हैं।
मेघालय के पूर्वी भाग में जयंतिया पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के निवासी जयंतिया कहलाते हैं। पृष्ठ 37। इन पहाड़ियों में जयंतियापुर की राजधानी स्थित थी। राजा राजेंद्र सिंह जयंतियापुर के राजा थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें उनके राज्य से वंचित कर दिया। उनके मैदानी इलाकों को अंग्रेजों ने छीन लिया। उनके पास सिर्फ पहाड़ों पर ही शासन करने का विकल्प बचा। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए राजस्व एकत्रित करने की संभावना कम रहती थी, अतः राजा राजेंद्र सिंह ने राजसत्ता छोड़ दी। शासन का काम ग्राम प्रधान को सौंपा गया। ग्राम प्रधान डोलोई या सरदार कहलाते थे। ये प्रणाली 1835 से 1853 तक सुचारू रूप से चली, यद्यपि गुप्त रूप से लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। फिर अंग्रेजों ने 1860 में पहाड़ी गांवों में गृह कर लगा दिया। इसका पहाड़ी जनता द्वारा विरोध हुआ और कुछ ही महीनों में उन्होंने बगावत कर दी, लेकिन उनकी बगावत सफल नहीं रही क्योंकि वे संगठित नहीं हो पाए थे। 1860 के अंत तक अंग्रेजों ने आयकर भी लगा दिया। जनता को आशंका थी कि कहीं पान और सुपारी पर भी कर ना लगा दिया जाए। इन करों के लगने से जयंतिया जनजाति के लोगों में खलबली मच गई। 1862 में उन लोगों ने भयंकर बगावत कर दी। इस बगावत का अगुआ व प्रेरक एक युवा यू कियांग नंगबाह था। इस पहले विद्रोह में उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी और गिरफ्तारी से बचे। दूसरी बगावत की लहर इतनी उग्र थी कि अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए 7 रेजिमेंटें और सैनिक टुकड़ियां कार्रवाई के लिए भेजी। जोवाई, जहां लगभग 3 सप्ताह तक विद्रोही घेरा डाले हुए थे, उस पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यू कियांग नंगबा अत्यधिक बुद्धिमान थे और उनकी संगठन दक्षता अद्भुत थी। विद्रोह को अत्यधिक सफल बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को शक का मौका न देते हुए सभी डोलोई और सरदारों से संपर्क किया। वे अंग्रेज गुप्तचर सेवा को चकमा देने में सफल रहे। उन्हें उनकी गतिविधियों और कार्यकलापों का कोई पता नहीं चला। फिर भी अंग्रेजों की बड़ी ताकत के कारण वे सफल नहीं हो पाए। इस लड़ाई में सैकड़ों जनतियां मारे गए और यू कियांग नंगबा को बंदी बना लिया गया। 30 दिसंबर 1862 को उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उन्हें जब फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने बुलंद और साफ आवाज में कहा, यदि फांसी के फंदे पर लटकने के बाद मेरा चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो जाए, तो हम 100 वर्ष में फिर से आजाद हो जाएंगे, लेकिन यदि ये पश्चिम की ओर हो जाएगा तो हम सदा गुलाम रहेंगे। उनके शब्द कितने भविष्य सूचक थे और उनकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल थी कि उनका चेहरा पूर्व दिशा की ओर घूम गया था और भारत अगले 100 वर्ष से पहले ही स्वतंत्र हो गया था। सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897। सावित्रीबाई फुले की जीवनी महाराष्ट्र की एक प्रमुख समाज सुधारक की जीवनी है, जिन्होंने समाज के सबसे अधिक वंचित वर्गों की महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को जिला सतारा के नाई गांव नामक गांव में हुआ। तत्कालीन सामान्य प्रथा के अनुसार उनके पिता ने 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से उनका विवाह कर दिया। पृष्ठ 38 पर सावित्रीबाई फुले का चित्र है। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों ही बाद में महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक बन गए। पति और पत्नी के दल ने अपना पूरा जीवन लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और शैशवावस्था से वयस्क होने तक लड़कियों के पूरे जीवन चक्र को कुप्रभावित करने वाली कुछ परंपरागत प्रथाओं को खत्म करने में लगा दिया। उनके पति ने उन्हें पढ़ाया और बाद में उन्होंने 1841 में नॉर्मल स्कूल में दाखिला ले लिया। उन्होंने नॉर्मल स्कूल से 1846-47 में तीसरे और चौथे वर्ष की परीक्षाएं अच्छे अंक लेकर पास की। अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने और उनके पति ने पुणे में 1848 में बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला और वे उसकी प्रधानाचार्य बन गई। ये उत्साहजनक बात है कि वो युग जिसमें लड़कियों के माता पिता और समाज उनकी शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने अभिभावकों को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया।
शुरुआत में 9 लड़कियों ने स्कूल में अपना नामांकन करवाया था। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए उनके उत्कृष्ट शैक्षिक कार्य को समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन पर टिप्पणियां करते थे, उन पर अंडे, गोबर, टमाटर और पत्थर फेंकते थे। इससे उनके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। उसी वर्ष यानी 1848 में ही उन्होंने अपने पति के सहयोग से लड़कियों के लिए 5 और स्कूल खोले। उनके कार्य पर अंग्रेज सरकार का ध्यान गया और उन्होंने उनका और उनके पति का अभिनंदन किया और उनके काम की सराहना की। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने और उनके पति ने विधवाओं से संबंधित कुछ कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास किया। एक कुरीति विधवाओं का सिर नियमित रूप से मुंडवाने की थी। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने नाइयों की हड़ताल कराई और उन्हें विधवाओं के सिर का मुंडन न करने के लिए राजी कर लिया। ये अपने तरीके की पहली हड़ताल थी। उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रसूति गृह भी खोला जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह रखा गया। सावित्रीबाई और उनके पति मूर्ति पूजा और सभी प्रकार के कर्मकांडों के विरुद्ध थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका कार्य समाज के दुर्बल वर्गों का समग्र विकास था। अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इस समाज को चलाने का संपूर्ण दायित्व स्वीकार कर लिया। उनके द्वारा किए गए अन्य सामाजिक कार्यों में अछूतों को अपने कुएं से पानी भरने की अनुमति देना था। उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए शिविरों का आयोजन भी किया जो प्लेग से पीड़ित थे। ऐसा कहा जाता है कि महामारी के दौरान वे 2000 बच्चों को रोज भोजन कराती थी। पृष्ठ 39। प्लेग से पीड़ित बच्चों की सेवा के दौरान वे स्वयं प्लेग से पीड़ित हो गईं और 10 मई 1897 को उनका निधन हो गया। वे उत्तम कोटि की लेखिका भी थी। उनकी 2 प्रकाशित कविताएं हैं, 1834 में प्रकाशित काव्य फूले और 1882 में प्रकाशित 52 काशी सुबोध रत्नाकर। समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयासों को महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता दी। राज्य सरकार ने उनके नाम पर महिलाओं को पुरस्कृत करना शुरू किया है जो सामाजिक सरोकारों के लिए काम कर रही हैं। 10 मार्च 1998 को भारतीय डाक विभाग द्वारा सावित्रीबाई के योगदानों की सराहना में एक डाक टिकट जारी किया गया है। सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली कुछ छात्रवृत्तियां भी सरकार ने उनके नाम से शुरू की हैं। कस्तूरबा गांधी। पृष्ठ 39 पर कस्तूरबा गांधी का एक चित्र है। कस्तूरबा गांधी 1869 से 1944। कस्तूरबा गांधी, जिनको प्यार से सब बा कहते हैं, का जन्म 18 अप्रैल 1869 को पोरबंदर के एक समृद्ध व्यवसायी गोकुलदास माखर्जी के घर हुआ था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह मोहनदास करमचंद गांधी के साथ हो गया। उन्हें उनके माता पिता ने शिक्षा नहीं दिलवाई थी। विवाह के बाद उनके पति मोहनदास ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। कस्तूरबा गांधी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई में और सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत आदि के विरुद्ध संघर्ष में अपने पति का साथ दिया। जब 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो बा ने डरबन के निकट की फिनिक्स बस्ती को सशक्त करने में अपने पति के कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की कार्य स्थितियों को सुधारने के काम में सहायता करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह की कैद हो गई। फिनिक्स सेटलमेंट। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो चंपारण बिहार के नील की खेती करने वाले श्रमिकों के सरोकारों के लिए आवाज उठाने में उन्होंने अपने पति का साथ दिया। जहां गांधी जी नील की खेती करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे थे, वहीं कस्तूरबा गांधी उन किसानों की स्त्रियों
अनेक महिलाओं और बच्चों को स्वच्छता, अनुशासन, पढ़ना लिखना सिखाती थी। उन्होंने 1918 में केरा गुजरात में कर मत दो अभियान में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान में उन्होंने केरा की महिलाओं के सामने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उनसे अपने पतियों को समर्थन देने की बात कही और उन्हें अनुचित राजस्व अदा न करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके पति द्वारा शुरू किए गए पहले असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी देखते ही बनती थी। गांधी जी के साथ वे गांव-गांव गईं और वहां उन्होंने महिलाओं से सूत काटने, खादी पहनने, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने और छुआछूत को मिटाने की अपील की। उन्हें 1931 में और पुनः 1932 में विदेशी कपड़े और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 1935 में उन्हें पुनः स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें 1942 में अपने पति की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कस्तूरबा गांधी ने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे अधिक अभावग्रस्त वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वे चिरकालिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन और गिरफ्तारियों से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 22 फरवरी 1944 को गंभीर हृदयाघात से उनका निधन हो गया। घेराबंदी। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। पृष्ठ संख्या 40 पर पंडिता रमाबाई सरस्वती का चित्र है। पंडिता रमाबाई सरस्वती 1858 से 1922। पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 को पश्चिमी घाट के मंगलौर जिले के गंगामूल में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री बड़े विद्वान ब्राह्मण और महान समाज सुधारक थे। वे महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। जैसा कि 19वीं शताब्दी में आम रिवाज था, उनका विवाह 9 वर्ष की बालिका से किया गया था। उन्होंने उसे शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत और धर्मशास्त्र पढ़ाए। उनकी पत्नी ने बाद में अपने बच्चों को, विशेष रूप से रमाबाई को शिक्षित किया। बहुत अल्प आयु में ही वे संस्कृत में पारंगत हो गईं। 12 वर्ष की आयु में उन्हें पुराणों के 18,000 श्लोक कंठाग्र याद हो गए थे। उन्हें शास्त्रों और भागवत का उत्तम ज्ञान था। धर्म ग्रंथों के गहन ज्ञान के कारण कोलकाता के पंडितों ने उन्हें उच्चतम उपाधि यानी सरस्वती की उपाधि प्रदान की। पंडिता रमाबाई किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव में यकीन नहीं करती थीं और उन्होंने एक बंगाली वकील बिपिन बिहारी मेधावी से विवाह किया। वे ब्राह्म समाज के भी सदस्य थे, जो समाज सुधार करने के प्रति समर्पित था। बाल विधवाओं की व्यथा से व्यथित होकर पंडिता रमाबाई और उनके पति ने उनके लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। वे बहुत कम आयु में ही अपने पति को खो बैठी। 2 वर्ष बाद ही हैजे से उनकी मृत्यु हो गई थी और वे अपने पीछे मनोरमा नाम की बेटी भी छोड़ गए। लेकिन पंडिता रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वे बाल विधवाओं, विशेष रूप से चित्पावन ब्राह्मण समुदाय की बाल विधवाओं के सरोकारों के लिए आवाज उठाने को दृढ़ संकल्प हो गई। स्कूल खोलने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए पंडिता रमाबाई सरस्वती ने देश में और देश के बाहर व्यापक रूप से यात्राएं की। वे अमेरिका गईं और वहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक वर्गों के लोगों को अपनी योजनाएं बताईं। पृष्ठ 41। ये सभी लोग अमीर व्यवसायी थे। यहीं पर 28 मई 1887 को रमाबाई एसोसिएशन नामक छोटे दल का गठन हुआ। इस संस्था ने उन्हें 10 वर्ष तक वित्तीय सहायता देते रहने का वचन दिया।
धन उपलब्ध हो जाने पर उन्होंने मुंबई में एक आवासीय स्कूल खोला, जिसका नाम उन्होंने शारदा सदन रखा। ये महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए पहला आश्रम था। ऐसा ही एक सदन सिर्फ बंगाल में था, जिसे श्री सेन द्वारा शुरू किया गया था। सदन का मुख्य उद्देश्य युवा विधवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। अधिकांश विधवाओं को शिक्षिका, गृह रक्षिका, नर्स, दाई आदि के कामों के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें। सदन की पाठ्यचर्या में बालवाड़ी यानी किंडरगार्डन शिक्षा पद्धति पर जोर दिया गया। इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी पढ़ाई जाती थी। भूगोल, खगोल विज्ञान, इतिहास, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान आदि विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। नैतिक शिक्षा, सदाचार और गृह प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाता था। यही नहीं, सदन ने अपनी छात्राओं को सिलाई, कशीदाकारी, बुनाई, चित्रकला, चीनी मिट्टी के पात्रों पर अलंकरण करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, फोटोग्राफी, काष्ठ उत्कीर्णन, बांस से वस्तुएं बनाना आदि में भी प्रशिक्षित किया। आनंदीबाई कर्वे इस सदन की पहली विद्यार्थी थी। आनंदीबाई कर्वे ने अपनी आत्मकथा माझे पुराण लिखी, जिसमें बाल विधवा के जीवन का मार्मिक वर्णन किया गया है। वे कहती थी कि अगर लड़कियों को स्वतंत्रता और स्वस्थ परिवेश दिया जाए तो उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है और वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सदन के कार्यकलापों को समुदाय का समर्थन प्राप्त था। धीरे धीरे अविवाहित लड़कियों को भी दाखिला दिया जाने लगा। सदन की शुरुआत 1890 में 18 निवासियों से हुई थी और ये संख्या बढ़कर 64 हो गई थी। पंडिता रमाबाई द्वारा शुरू की गई एक अन्य संस्था मुक्ति सदन थी। इस सदन में उन लोगों को शरण दी गई जो 1900 में अकाल से पीड़ित हुए थे। उन्होंने एक स्कूल भी खोला जिसमें 400 बच्चे पढ़ सकते थे। शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल और एक औद्योगिक स्कूल भी खोला गया, जिसमें बगीचे, तेल की पेराई का यंत्र, डेयरी, लॉन्ड्री और अवन आदि भी थे। यहाँ सिलाई, बुनाई और कशीदाकारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तीसरी संस्था जो उन्होंने शुरू की वो थी 1882 में मुंबई में स्थापित आर्य महिला समाज। इस समाज का उद्देश्य था महिलाओं के बीच सामाजिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देकर उनका उत्थान करना। यहाँ साप्ताहिक भाषणों और अनौपचारिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता था। योग्य सदस्याओं को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। छात्राओं के लिए एक छात्रावास भी बनाया गया था। आवासीय छात्राओं, महिला विद्यार्थियों के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया था। इसकी सदस्यता सभी के लिए खुली थी, भले ही वे किसी भी जाति और धर्म की हों। महिला शिक्षा के सरोकारों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए पंडिता रमाबाई 1882 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग के समक्ष उपस्थित हुई। संस्कृत की महान विद्वान और समाज सेविका पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। इसके अलावा उन्होंने दो अन्य संस्थाओं, मुक्ति सदन और आर्य महिला समाज की भी स्थापना की। मुक्ति सदन में अकाल पीड़ित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को राहत प्रदान की जाती थी और आर्य महिला समाज ने महिलाओं की शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उनके कुछ सुझाव शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति के विषय में थे। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि भारतीय महिलाओं को चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। रमाबाई के साक्ष्य ने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया। चिकित्सा व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी के उनके विचार महारानी विक्टोरिया तक पहुंचे। उनके सुझाव पर अमल करने की दृष्टि से लेडी डफरिन ने महिला चिकित्सा आंदोलन का सूत्रपात किया। पंडिता रमाबाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों में स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वेमेन है। उन्होंने द न्यू टेस्टामेंट का सरल मराठी में अनुवाद भी किया। पृष्ठ संख्या 42 पर एक चित्र है सुल्तान जहां बेगम का। स्रोत: बेगम्स ऑफ भोपाल, डायनेस्टी ऑफ वेमेन रूलर्स इन राज इंडिया।
शहरयार एम खान, सुल्तान जहां का चित्र, लंदन 1926, वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड 2004। सुल्तान जहां बेगम 1858 से 1930। मध्य भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच एक छोटी रियासत थी जिसे भोपाल के नाम से जाना जाता था। अब यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये एक समृद्ध और खूबसूरत राज्य था। भोपाल राज्य की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि इसका शासन लगभग 100 वर्षों तक 1817 से 1926 तक चार महिला शासकों के हाथ में रहा। उनमें से अंतिम सुल्तान जहां बेगम थी। सुल्तान जहां बेगम का जन्म 1858 में हुआ था। उन्होंने 1901 में भोपाल की राजगद्दी संभाली और 1926 तक शासन किया। ये वो समय था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। रियासतों में अंग्रेज स्थानीय शासकों की सहायता करने के नाम पर उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करते रहते थे। भोपाल भी इसका अपवाद नहीं था। भोपाल की सभी बेगमों के शासनकाल में अंग्रेजों की दखल को महसूस किया जाता था। सुल्तान जहां बेगम का भी अंग्रेजों से ऐसा ही संबंध था। ऐसी परिस्थितियों में भोपाल की ये महिला शासक अपने प्रशासन को कुशलता से चला रही थी। उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूढ़िवादी समाज में रहते हुए अत्यधिक उत्साह के साथ समाज सुधार के काम किए। उन्होंने अपने राज्य के प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ने और राज्य की प्रगति में भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके दरबार के अनेक संभ्रांत दरबारियों और बड़े जमींदारों ने उनका विरोध किया, लेकिन वे मजबूत इरादों की महिला थीं और अपने विचारों और प्रयासों में अडिग रहीं। सुल्तान जहां बेगम स्वयं एक अतिशिक्षित और प्रगतिशील महिला थीं। वे जानती थीं कि बालिकाओं के उद्धार के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पृष्ठ संख्या 43। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से था। अपने शासनकाल में उन्होंने भोपाल राज्य में अनेक स्कूल खोले। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा के लिए गंभीर प्रयास किए और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों और लड़कों के लिए अनेक विद्यालय खोले। गरीब लड़कियों को स्कूल की फीस में रियायत दी जाती थी और छात्रवृत्तियां भी दी जाती थी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को साहित्य, धर्मशास्त्र और गणित आदि विषय पढ़ाए जाते थे। उन्हें कुछ रोजगार परक विषयों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। सुल्तान जहां बेगम ने अपने राज्य में विधवाओं और गरीब महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया। उन्होंने उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र खोले जहां उन्हें कशीदाकारी, सिलाई आदि सिखाई जाती थी। ये विद्यालय समाज के सभी वर्गों के लिए खुले थे। सभी धर्मों और जातियों की लड़कियों को यहाँ बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने लड़कों के विद्यालयों में भी लड़कियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया और इस प्रकार रूढ़िवादी समाज में सह शिक्षा की शुरुआत की। सुल्तान जहां बेगम बेहद दयालु महिला थी और गरीब परिवारों की लड़कियों का विवाह कराने पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती थी। नवविवाहित जोड़े को नए जीवन की शुरुआत के लिए राजकोष से कुछ धन भी दिया जाता था। समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं नियमित रूप से उनके महल में मिला करती थी और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती थी। इस प्रकार भोपाल में उनके नेतृत्व में महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। ।1926 में उन्होंने अपने पुत्र नवाब हमीदुल्ला खां के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दी और अपना जीवन मानवता, विशेष रूप से महिलाओं की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1930 में उनका निधन हो गया। पेरिया रामास्वामी 1879 से 1973। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में
एक मध्यवर्गीय व्यवसायी के परिवार में हुआ था। वे बहुत कम उम्र में ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे थे। अपने आरंभिक जीवन में रामास्वामी आस्तिक थे। आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में आस्था रखता है। उन्होंने संस्कृत के अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उनकी काशी की यात्रा ने उनकी आस्था में बदलाव ला दिया। वे नास्तिक बन गए। नास्तिक वो होता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता। वे तीर्थ यात्रा पर काशी के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा करने गए। उनके मन में काशी की छवि ऐसे स्थान की थी जहां सभी हिंदुओं के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन उन्हें भंडारे अर्थात मुफ्त भोजन के स्थान पर भोजन करने से रोका गया क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं थे। बाद में उन्हें पता चला कि उस भंडारे या मुफ्त भोजन स्थल का निर्माण एक द्रविड़ व्यापारी द्वारा किए गए दान से करवाया गया था। पृष्ठ संख्या 44 पर एक चित्र है पेरियार रामास्वामी का। स्रोत हमारे अतीत 3:2 NCERT पृष्ठ 119। गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध होने वाले इस भेदभाव से वे बहुत दुखी हुए। जो अपमान उन्होंने वहां झेला वो उनके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। वे जाति प्रथा के प्रबल विरोधी बन गए। उन्होंने केरल में वैक्कोम में उन गली मोहल्लों निचली जातियों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा जहां अमीर लोग रहते थे। ये आंदोलन अत्यधिक सफल हुआ और उन्हें वैक्कोम के पुरुष रत्न की उपाधि दी गई। पेरियार 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। वो कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों का हिस्सा बन गए। इस कार्यक्रम में खादी के उपयोग, ताड़ी की दुकानों के आगे धरना, विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के बहिष्कार और छुआछूत को मिटाने आदि पर जोर दिया गया था। बाद में उन्होंने देखा कि कांग्रेस में भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उन्होंने देखा कि राष्ट्रवादियों द्वारा दी गई दावतों में बैठने की व्यवस्था में जातिगत भेदभाव रखा जा रहा था। निचली जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों से दूर बैठाया जाता था। उनका मानना था कि अछूत ही मूल तमिल संस्कृति के वाहक हैं और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ना पड़ता है। अछूतों के सरोकारों की रक्षा के लिए उन्होंने आत्मसम्मान अभियान प्रारंभ किया। उनका मानना था कि क्योंकि सभी धर्मों के नेता ये मानते हैं कि सामाजिक विभेद और असमानताएं ईश्वर प्रदत्त हैं, इसलिए अब अछूतों को चाहिए कि वे सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए स्वयं को सभी धर्मों से अलग कर लें। वे हिंदू धर्म ग्रंथों विशेष रूप से मनुस्मृति के कटु आलोचक बन गए। मनुस्मृति विधि का प्राचीन ग्रंथ है। उनका कहना था कि ऐसे ग्रंथों का उपयोग उच्च जातियों द्वारा निचली जातियों पर अधिकार जमाने और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व जताने के लिए किया जाता है। पेरियार अंतरजातीय विवाहों और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। उनका सुदृढ़ मत था कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और कई अन्य कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए। अपने जीवन के अंत तक वे इनके विरुद्ध अनवरत संघर्ष करते रहे। कहते बीता युग बने अतीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत? कुछ बीता धूमिल हो जाता, लेकिन कुछ फिर भी रह जाता। समय का बर्तन कभी न रीता, बीता युग भी संग संग जीता। बीता युग कुछ बदल बदल कर, संग हमारे जो ना जीता, तो पहिया भी आज ना होता। बीता युग कुछ बदल बदल कर, संग हमारे जो ना जीता, तो पहिया भी आज ना होता। और न होते खेत मकान,
न ही होते खेत मकान, न ही होती आग। जो मानव ने खोजी थी उस अतीत में, ज्ञान जो खोजा था मानवों ने, ज्ञान जो खोजा था मानवों ने, और धरोहर अवशेषों में रह जाती है हमारे साथ। करना सीखें इससे प्रीत, कहते बीता युग बने अतीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत? पर क्या सब कुछ जाता बीत? आओ याद करें। एक, जर्मन समाजवादी सम्मेलन जर्मन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? दो, मैडम कामा ने इंग्लैंड में अपने राजनीतिक कार्य की शुरुआत किसके मार्गदर्शन में की थी? तीन, पहली बगावत में यू कियांग नंगबा गिरफ्तारी से किस प्रकार बचे थे? चार, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करते समय सावित्रीबाई फुले ने किन कठिनाइयों का सामना किया? पांच, सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल में जो स्कूल खोले थे वे आज भी चल रहे हैं, ये स्कूल किन के लिए खोले गए थे? इन स्कूलों के विषय में नई बात क्या थी? पृष्ठ 45, आओ चर्चा करें। छह, मैडम कामा ने राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया है। आपके अनुसार महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी और वे क्या भूमिका निभा सकती हैं? सात, आपको यू कियांग नंगबा की कौन सी बात सबसे अधिक पसंद आई? आठ, सावित्रीबाई फुले को वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नौ, क्या आपके आवासीय विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी के नाम पर रखना उचित है? क्या आप किसी अन्य व्यक्ति का नाम बता सकती हैं जिन्होंने उनके कामों को आगे बढ़ाया है? दस, आपके गांव में महिलाओं को कुप्रभावित करने वाले कौन से रीति रिवाज आज भी प्रचलित हैं? क्या आपने कभी इनका प्रतिरोध किया है या इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? आओ करके देखें। 11, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अन्य भागों के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में कुछ अन्य कहानियां एकत्रित कीजिए। 12, सात समूह बनाइए। अध्याय में वर्णित किए गए सातों लोगों में से एक एक के विषय में हर समूह कुछ और अधिक जानकारी एकत्रित करके एक परियोजना तैयार करे। 13, अपने गांव की आदर्श अनुकरणीय महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनसे साक्षात्कार कीजिए। 14, यदि आप अपने गांव की किसी ऐसी महिला अथवा पुरुष के विषय में जानती हैं जिन्होंने विधवाओं, गरीब महिलाओं और ऐसी स्त्रियों की सहायता की है जो अपने परिवार और समुदाय के हाथों हिंसा का शिकार हुई हैं, तो उनसे साक्षात्कार कीजिए और एक रिपोर्ट बनाइए। 15, ऐसी मुसलमान महिलाओं का पता लगाइए जो अपने राज्य में अथवा आपके पास पड़ोस और आपके क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। 16, कुछ और ऐसे व्यक्तियों की जीवनियां पढ़िए जिन्होंने भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया है। कक्षा में उनके बारे में विस्तार से बताइए। बने अतीत कहते बीता युग
सब कुछ जाता बीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत, कहते बीता युग बने अतीत बने अतीत। लेकिन कुछ फिर भी रह जाता, समय का परिवर्तन कभी न रीता, बीता युग भी संग संग जीता, कहते बीता युग बने अतीत बने अतीत। संग हमारे जो न जीता, तो पहिया भी आज न होता, और न होते खेत मकान, ना ही होती आग जो मानव ने खोजी थी उस अतीत में, कहते बीता युग बनी अतीत बनी अतीत। धरोहर अवशेषों में रह जाती है साथ हमारे, करना सीखें इससे प्रीत, कहते बीता युग बने अतीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत, कहते बीता युग बने अतीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत, पर क्या सब कुछ जाता बीत, कहते